छोटी सी सूचना पे आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ पॉइंट मैक्सिमम जो इंस्ट्रक्शन थे उसके बारे में हमारे कोतवाल साहब ने बता दिया है। मैं कुछ ही पॉइंट पर एम्फेसिस करूँगा, जैसे जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन हैं, पहला है डीजे, डीजे प्रतिबंधित है। क्या होता है, शासन का निर्देश है, हाईकोर्ट का निर्देश है कि डीजे नहीं बजेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अगर डीजे आप लोग किए होंगे तो उसको निरस्त कर दीजिए, क्योंकि सीजन की कार्रवाई शुरू हो गई है और हमारे सर्किल में आज तक 3 डीजे सीज कर चुके हैं और पर डे हम जो भी लिखेंगे सीज करेंगे। इसलिए अगर डीजे आप लोग किए होंगे तो निरस्त कर दीजिएगा, नहीं तो पैसा ही नुकसान होगा आप लोगों का। दूसरा होगा क्या है कि त्यौहार जो पहले हम लोग मनाते थे सद्भाव के साथ, हर्षोल्लास के साथ, लेकिन इसमें एक जुड़ गया है डीजे और नशा, शराब। ये पूरे त्यौहार को ही बिगाड़ देता है, तो इससे हम लोग दूर रहें। प्रयास करिए आपके परिवार में जो भी बच्चे हैं उनको इस नशे से दूर रखिए, ये हमारा कर्तव्य भी है। दूसरा यह है कि उस दिन आप लोग होली के दिन एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं, इसलिए गाड़ियाँ भी नहीं हैं। अभी तक जितना मेरा अनुभव है 10 साल का है कि होली के जिस दिन होली होती है उस दिन 12 बजे के बाद एक्सीडेंट की संख्या बढ़ जाती है और 12 बजे रात तक चलती रहती है। तो आप लोग प्रयास करें, हम अपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास है, हम चेकिंग लगाएंगे, जो नशे में मिलेगा उसको मैं पकड़ कर यहाँ के कोतवाली में बैठा भी दूंगा। लेकिन ये चीज़ें ना हो, क्योंकि हम भी खलल नहीं डालना चाहते हैं कि आपके त्यौहार में हमको खलल डालना पड़े।